इतनी सिंपल पालक पनीर की रेसिपी आपने कभी नहीं ट्राई की होगी जो बिल्कुल ही झटपट बनके तैयार हो जाए। हेलो एंड नमस्ते एवरीवन, आई एम स्नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं द सिंपलेस्ट पालक पनीर की रेसिपी, जो कि बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल भी तामझाम नहीं करना है, बहुत ही जल्दी और बहुत ही सिंपल तरीके से बनके तैयार हो जाएगी। तो अगर आप बिगनर हैं और ट्राई करना चाहते हैं तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। पालक को यहाँ पे स्टीम से सेपरेट कर दिया है, सिर्फ पत्ते पत्ते हमें रहने देना, स्टीम आप बिल्कुल भी मत लीजिए इसकी। इसके बाद हमें इसे 5 to 6 टाइम अच्छे से पानी से वॉश कर लेना चाहिए ताकि इसमें कोई भी डर्ट या मिट्टी ना रहे। पहले हमें एक पॉट में कोई भी बर्तन में पानी बॉईल करके रख देना है और जैसे ही पानी में बॉईल आ जाए हमें अपनी जो वॉश की हुई पालक है इसमें ऐड कर देनी है। जैसे ही बॉईल आने लगे आपको गैस की फ्लेम ऑफ कर देनी है। यहाँ पे मैंने गैस की फ्लेम ऑफ कर दी है और इसे 5 to 10 मिनट्स के लिए मैं सेपरेट ढक के रख दूंगी। देन हमें एक बोल में पानी लेना है, नॉर्मल वाटर, और उसमें थोड़े से आइस क्यूब एड्स करने हैं। देन हमने जो अपनी पालक गर्म पानी में रखी थी उसे हमें निकाल के इस वाटर में डिप कर देनी है, आइस वाटर में। इसे आप डीप करके 5 to 10 मिनट्स के लिए सेपरेट रख दीजिए। उसके बाद मैंने यहाँ अपने पनीर को क्यूब्स में कट कर लिया है। आप चाहे तो छोटे बड़े मीडियम किसी भी साइज के पनीर अपने हिसाब से कट करके रख सकते हैं। हमें पनीर को मैरिनेट करना है तो बहुत ही बेसिक इंग्रेडिएंट्स है। यहाँ मैंने थोड़ा सा हल्दी लिया है, 1/2 स्पून मैंने रेड चिली पाउडर लिया है, 1/2 स्पून मैंने धनिया पाउडर लिया है और थोड़ा सा मैंने 1/2 स्पून गरम मसाला यहाँ पर ऐड किया है। इसके बाद बहुत ही थोड़ा सा आपने सॉल्ट लेना है और इसके बाद हमें इसमें 1 से 2 चम्मच करीब ऑयल ऐड कर देनी है। अच्छे से मिक्स कर लेना है जेंटली ताकि पनीर के जो क्यूब्स है, जो पीसेस है, वो बिल्कुल भी टूटे ना। तो आप इसे अच्छे से, चाहे तो हाथ की मदद से, आप इसे अच्छे से कोट कर लीजिए। हमारे पनीर के पीस अच्छे से कोट हो चुके हैं, नाउ इसे हम साइड में रख देंगे। अब हमें ग्राइंडिंग जार में जो पालक हमने आइस वाटर में रखी थी उसे निकाल के ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड करने के बाद बिल्कुल इस तरीके की प्यूरी हमारी पालक की बनके रेडी हो जाएगी, आप देख सकते हैं। नाउ चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। हमें कढ़ाई में ऑयल हीट कर लेना है और उसमें हमने जो पनीर को मैरिनेट करके रखा था वो ऐड कर देना है और हमें पनीर को शैलो फ्राई करना है, मतलब हल्का सा फ्राई करना है, बहुत ही कड़क बिल्कुल फ्राई नहीं करना है। इनकेस अगर गलती से आपसे पनीर थोड़े ज़्यादा फ्राई हो जाते हैं या थोड़े हल्के से कड़क हो जाते हैं तो निकालने के बाद आपको उन पनीर के पीसेस को पानी में थोड़े देर के लिए डिप करके रखना है ताकि जो आपके पनीर के क्यूब्स हैं वो सॉफ्ट ही रहे। आप बीच बीच में पनीर को टर्न करते जाइए ताकि सारे साइड से ये इक्वली अच्छे से फ्राई हो जाए। हमारे पनीर शैलो फ्राई हो चुके हैं, मैंने हल्का सा ही फ्राई किया है इन्हें, तो मैंने इन्हें निकाल लिया है। गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मेक श्योर वीडियो को लाइक कर दे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो पनीर हमने फ्राई करके निकाल लिया है, अब कढ़ाई में हमें 1 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर देना है। ऑयल हीट हो जाने पर मैंने यहाँ पे 1 से 2 बेलीफ ऐड की है और ये थोड़ा सा दालचीनी का टुकड़ा मैंने इसमें ऐड कर दिया है। उसके बाद मैं इसमें 1 चम्मच जीरा और 1/2 टीस्पून मैं इसमें राई ऐड करने वाली हूँ। यहाँ पे मैंने एक छोटी सी बारीक कटी हुई मिर्ची ऐड, यानी कि ग्रीन चिली ऐड कर दी है और 1 रफली चॉप्ड अनियन ऐड कर दिया है।
अनियन को हमें अच्छे से ट्रांसलूसेंट होने तक पकाना है। हमारे जो प्याज है अच्छे से ट्रांसलूसेंट हो गए हैं, तो अब मैं इसमें 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर दूंगी, यानी इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया है मैंने। इसे अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। नाउ अब मैंने इसमें हाफ चॉप टमाटर ऐड कर दिया है, मैंने ज़्यादा टमाटर ऐड नहीं किया है, हाफ ही ऐड किया है। और इसके बाद एज पर टेस्ट सॉल्ट ऐड कर दिया है, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नाउ अब हम इसमें सूखे मसाले डालेंगे। हमारी जो बेसिक मसाले हैं हमें बस वही डालना है और ज़्यादा कुछ नहीं डालना। यहाँ मैंने हल्दी ऐड कर दी है, उसके बाद मैंने इसमें 1.5 स्पून रेड चिली पाउडर ऐड कर दिया है, कोरिएंडर पाउडर सेम अमाउंट में ऐड किया है, 1 स्पून गरम मसाला भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और अब सारे मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। करीब करीब 3 से 4 मिनट आप इसे अच्छे से पकने दें, देन उसके बाद हमने जो प्यूरी बना के रखी थी पालक की वो हमें इसमें ऐड कर देनी है। अब हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है और उसके बाद इसे अच्छे से कंटिन्यू मिक्स करते रहें 2 से 3 मिनट तक। उसके बाद आप इसमें हल्का सा पानी ऐड कर सकते हैं, आपको कैसी कंसिस्टेंसी रखनी है उस हिसाब से, क्योंकि अब हम इसको बॉईल करेंगे। बॉईल होने के बाद ये थोड़ा सा क्वांटिटी में लेस हो जाएगा, और जैसे ही बॉईल आ जाए इसमें हम इसमें अपने पनीर के क्यूब्स जो हमने फ्राई किए थे वो ऐड कर देंगे। हमें इसमें अच्छे से बॉईल आने देना है, और जितनी थिक हमें ग्रेवी चाहिए पालक की उतना थिक होते तक हमें इसे कुक होने देना है। एंड देखिए बॉईल आ चुका है और मुझे जैसे कंसिस्टेंसी चाहिए थी बिल्कुल वैसे भी, और हमारे पालक और पनीर बिल्कुल अच्छे से बन के रेडी है। एंड आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहा है। आपने देखा कितने झटपट कितने आसानी से विद इन फ्यू स्टेप्स पालक पनीर बनके रेडी हो गया है, और बहुत ही बेसिक इंग्रेडिएंट से बहुत ही सिंपल तरीके से पालक पनीर बनके रेडी हुआ है। सो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि वीडियो आपको कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेक श्योर वीडियो को लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। You can also follow me on Instagram. मैंने अपना Insta handle ऊपर mention कर दिया है, so do check out my page. I'll see you on my next video. Till then, stay healthy, stay fit. Bye bye.